माननीय रामदास आठावले जी। चलो ये चला अभी उपस्थित डिप्यूटी चेयरमैन सर, बहुत ही अच्छा था महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण, बहुत ही अच्छा था महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी मजबूत कर रहे हैं भारत नेशन। गुलाम नबी आजाद जी, आनंद शर्मा जी, अब आप मत लाओ उल्टा उल्टा सीधा मोशन, आप दोनों मत लाओ उल्टा सीधा मोशन, अब थोड़ा शांति से सुनो मेरा भाषण। समाज को तोड़ने की मोदी जी को आदत नहीं है, समाज को तोड़ने की मोदी जी को आदत नहीं है, उन्हें हिंदू मुसलमान और सभी को जोड़ने की आदत है। कांग्रेस को जोड़ने की आदत नहीं है, इसलिए वो समाज को तोड़ रहे हैं। किसी की नागरिकता छीनने की मोदी जी को आदत नहीं है, जिनको नागरिकता देना आवश्यक है उनको नागरिकता देने की उन्हें आदत है। तो ये जो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है, हम सब लोगों ने भाषण सुना है, भाषण बहुत अच्छा था। आनंद जी का भी भाषण बहुत अच्छा था, मतलब हमारे विरोध में आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप हमारे विरोध में बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन बाद में हम सब लोग तुम्हारा पोल खोलते हैं। तो ठीक बात है, मतलब एक दूसरे पर आरोप करने की आवश्यकता भी होती है, क्योंकि अगर आप सब लोग हमारे बाजू में बोलते रहेंगे तो हमें भी हमारी सरकार चलाने के लिए मुद्दा नहीं मिलेगी। तो लोकतंत्र में क्रिटिसाइज होना ही चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी को मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि आप लोग लोकतंत्र को मानते हैं, आप लोगों ने बहुत साल तक सत्ता में आप रहे हैं, और अगर हम अभी सत्ता में आए, 5 साल, 5.5, 6 साल हो रहे हैं, आप अगर 60 साल रहे हैं तो हमको 25 साल तो रहने दो। ठीक है, मतलब सत्ता अगर आप भी अच्छा काम करोगे तो सत्ता आपको मिल सकती है, लेकिन जब तक हमारा काम अच्छा है। हाँ, प्रधानमंत्री आ गए हैं, हम स्वागत करते हैं। तो मतलब जो राष्ट्रपति के जी के अभिभाषण में सरकार का जो एजेंडा है, नए भारत का एजेंडा है, भारत को मजबूत करने का एजेंडा है, और सभी दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, लिंगायत है, जैन है, पारसी है, ऐसे सभी लोगों को न्याय देने की भूमिका हमारी सरकार की है। और मोदी साहब ने कभी किसी धर्म की बात नहीं की है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी तरह की भूमिका हमारी सरकार की है। और इसीलिए मैं मतलब मोदी जी के साथ हूँ, मैं बीजेपी के साथ हूँ, और इसीलिए मतलब मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है, बाबा साहब ने संविधान बनाया है, और इस संविधान को माथा टेक कर नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली है, नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिज्ञा की है कि भारत का कोई भी आदमी हो, 134 करोड़ लोगों को न्याय देने की भूमिका मोदी जी की है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आप लोगों ने हमको साथ देने की आवश्यकता है। जब आपने अच्छा काम किया था तब ये लोगों ने आपको साथ ही दिया था, और अभी क्यों आपके विरोध कर रहे हैं? आज भी अगर अच्छा कानून होता है, सीए जो कानून है, आप लोगों ने, हमारी अपेक्षा थी कि कांग्रेस पार्टी ने मतलब जो हिंदू है, बुद्धिस्ट है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, जैन है, ऐसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए लोगों को नागरिकता देने का कानून है, यहाँ के मुसलमान का जो नागरिकत्व है ये छीनने का कानून नहीं है, लेकिन मुसलमानों को भड़काया गया, मुसलमानों का नुकसान हुआ और इसीलिए मुझे लगता है कि ये कानून का सपोर्ट आपने करने की आवश्यकता थी। जब जब अच्छा कानून होता है तब आपने सपोर्ट करने की आवश्यकता है, और ऐसा विरोध करते रहोगे तो जिंदगी भर आप उधर ही रहोगे। मतलब नहीं, अगर अच्छा कानून के लिए, और जब 370 है हमारे गुलाम नबी आजाद जी, उनके बारे में हमको बहुत बड़ा आदर है, आप वहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो मतलब जैसे उमर अब्दुल्ला है, फारूक अब्दुल्ला जी है, मुफ्ती महबूबा है, इनको नजरकैद में रखा है, क्योंकि तो उल्टा सीधा बोलते हैं वो।
अगर वो अगर ठीक नहीं बोलेगी तो उनको नजर कैद में हमने रखा है, अभी तक हमने उनको अंदर नहीं किया है, मतलब अभी नहीं नहीं। और इसीलिए और आपको नहीं नहीं आपको जो जो लोग 370 का सपोर्ट करते हैं और आपके बारे में आपको ऐसा नहीं किया है ना, आपको मतलब आपको तो फिर छोड़ दिया हमने जो कुछ है आप करो, तो इसीलिए मुझे लगता है कि अध्यक्ष महोदय ये जो कानून है 370 का कलम जो है इस कलम से जम्मू कश्मीर का भरा होने वाला है और इसीलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी को मेरा इतना ही निवेदन है कि जब हम अच्छा का कानून बनाएंगे आपका साथ मिलना चाहिए, आपका साथ नहीं भी मिलेगा तो कानून हम पास करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास में मेजोरिटी है और इसीलिए मतलब आप खाली विरोध करके तुम्हारा जो मैंडेट है उस मैंडेट को धक्का देने का मत करिए, इतना ही मैं आपको निवेदन करता हूँ। धन्यवाद, दो शब्द खत्म करता हूँ, जय भीम जय भारत। राइट जी, धन्यवाद आपका मनोविज्ञान और मनोरंजन के लिए। హలో మిమ్మల్నే ఫిలిం సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుందా? లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా? ఇంకెందుకు ఆలస్యం? యోయో టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే మర్చిపోకుండా యోయో టీవీ యాప్ ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.